गाइस, आई एम विशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग एचिंग और हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करा था एक टाइप एचिंग का, विच वॉज द एचिंग ऑन डायलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस। क्यों करते हैं डायलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस पर एचिंग और डायलैक्ट्रिक एचिंग के टाइप्स ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देख लिए। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गो एंड वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे फर्दर एचिंग के टाइप्स, किस किस टाइप्स की एचिंग हमें रिक्वायरमेंट होती है आईसी फैब्रिकेशन में। द फर्स्ट टाइप ऑफ एचिंग इज सिंगल क्रिस्टल सिलिकन एच। सिंगल क्रिस्टल सिलिकन एच क्या होता है? सिंगल क्रिस्टल सिलिकन में जब हम एचिंग करते हैं, सिलिकन में ही क्यों एचिंग कर रहे हैं? शैलो ट्रेंच आइसोलेशन की फॉर्मेशन के लिए या डीप ट्रेंच बनाते हैं कैपेसिटर की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर हमें एक हार्ड मास की रिक्वायरमेंट होती है, सिलिकन नाइट्राइड या ऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट रहती है। सिलिकन नाइट्राइड या ऑक्साइड में हम हार्ड मास से विंडो बना देते हैं और फिर एचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं सिलिकन में। बट यहाँ पर ये जो विंडो बनती है उसके लिए फोटोरेजिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। फोटोलिथोग्राफी से ही हम विंडो बनाते हैं। अब फोटोरेजिस्ट की वजह से मे बी सबस्ट्रेट पे कंटेमिनेशन भी हो सकते हैं, राइट? यहाँ पर हम ब्रोमीन केमिस्ट्री यूज करते हैं एंड HBr इज द मेन एचेंट, राइट? आपने देखा होगा जब हम डायलैक्ट्रिक एचिंग करते हैं तो उस समय फ्लोरीन केमिस्ट्री यूज होती है मेनली। हम सिंगल क्रिस्टल सिलिकन एचिंग के लिए मेनली ब्रोमीन केमिस्ट्री यूज होती है। तो सबसे पहले आप देखते हैं सिंगल क्रिस्टल सिलिकन एचिंग फॉर शैलो ट्रेंच आइसोलेशन। यहाँ पर शैलो ट्रेंच आइसोलेशन का फॉर्मेशन होता है जिससे कि एक जो सब्सटेंस है, एक जो हमारा डिवाइस है, दूसरे डिवाइस से आइसोलेटेड रहता है और शॉर्ट नहीं हो जाता है। शैलो ट्रेंच आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आईसी फैब्रिकेशन को फॉर्म करने के लिए। हर आईसी में शैलो ट्रेंच आइसोलेशन की यूज होता है। डीप ट्रेंच कैपेसिटर, कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और कैपेसिटर हमारे आईसी में कैसे बनेंगे? आईसी में कैपेसिटर बनाने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने विंडो बनाया, एक शैलो ट्रेंच बना दी। अब ट्रेंच को हमने क्या करा, हमने ट्रेंच को हैवीली डोप्ड सिलिकन से फिल करा और बीच में हमने पॉलीसिलिकन का यहाँ पर लेयर बना दी। पॉलीसिलिकन हमारा यहाँ पर डायलैक्ट्रिक की तरह एक्ट करता है, हैवीली डोप्ड सिलिकन कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। तो ये कंडक्टर बीच में डायलैक्ट्रिक कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा। तो इन दिस वे हमने क्या करा है, कैपेसिटर फॉर्मेशन कर लिया है। नाउ कमिंग टू द ब्रोमीन, ब्रोमीन की केमिस्ट्री यूज करें तो ब्रोमीन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सो ब्रोमीन का जो सिंबल है Br है, एटॉमिक नंबर है 35, एटॉमिक वेट है 79.904, डिस्कवरर था एंटोइन जे बेलार्ड एंड डिस्कवर्ड इन फ्रांस इन 1826। इसका जो ओरिजिन है नेम का, इट केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड ब्रोमोस जिसका मतलब होता है स्टेंच, एंड मोलर वॉल्यूम, वेलोसिटी ऑफ साउंड, रेजिस्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी आप देख पा रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन है, फ्री ब्रोमीन यूज होता है मेन एचेंट में फॉर सिंगल क्रिस्टल सिलिकन एचिंग प्रोसेस के लिए। सोर्स क्या है? HBr। अब ये जो केमिस्ट्री है ये देख लेते हैं। HBr से हमें H+Br मिलता है, राइट? ये जो ब्रोमीन है सिलिकन के साथ जाकर रिएक्ट करता है और SiBr4 बना देता है। यहाँ पर इफ आई हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज यूज फॉर साइड वॉल पैसिवेशन। साइड वॉल पैसिवेशन, राइट? अगर हमारी साइड वॉल हमें नहीं रिमूव आउट करवानी है, हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, बिलो डायरेक्शन में ही हमें एचिंग करवानी है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी यूज, जिससे ऑक्साइड बन जाता है। साइड वॉल्स पे ऑक्साइड बन जाएगा तो ब्रोमीन किसको जाकर रिएक्ट करेगा? सिर्फ सिलिकन को रिएक्ट करेगा, SiO2 को रिएक्ट नहीं करेगा, राइट? ब्लैक सिलिकन फॉर्मेशन को बचाने के लिए थोड़ा सा NF3 यूज करते हैं और एंड पॉइंट हमें टाइम से ही पता करना पड़ता है कि इतने टाइम में इतना सिलिकन कंज्यूम हो गया होगा, नाउ वी हैव टू स्टॉप एचिंग। नाउ कमिंग टू द पॉलीसिलिकन एच। पॉलीसिलिकन एच किस लिए यूज करते हैं? गेट्स और लोकल इंटरकनेक्शन फॉर्म करने के लिए। इट इज द मोस्ट क्रिटिकल एचिंग प्रोसेस। यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट CD लेयर बनाना होता है, तो स्मॉलेस्ट फीचर साइज के लिए हमें पॉलीसिलिकन एचिंग करना होता है, इसलिए दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एचिंग प्रोसेस, राइट? यहाँ पर कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स फॉर्म होते हैं फॉर DRAM, राइट? DRAM के लिए कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स हम बना सकते हैं पॉलीसिलिकन एच से। यहाँ पर हाई सिलेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है ओवर सिलिकन डाइऑक्साइड, और क्लोरीन केमिस्ट्री यूज करते हैं। Cl+SiO2 gives SiCl4, ये हमारा केमिस्ट्री यूज होता है। क्लोरीन के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक वेट 35.45, डिस्कवरर कार्ल विलियम शील एंड डिस्कवर्ड एट स्वीडन इन 1774, ओरिजिन ऑफ नेम केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्लोरोस जिसका मतलब था पेल ग्रीन,
राइट, इसका मोलर वॉल्यूम, वेलोसिटी ऑफ साउंड, रेजिस्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी आप देख पा रहे हैं। इसका एप्लीकेशन है, इट इज यूज एज अ मेन एचेंट फॉर पॉलीसिलिकन एंड मेटल एचिंग प्रोसेस। मेटल एचिंग प्रोसेस में पॉलीसिलिकन के एचिंग के लिए क्लोरीन हमें मेन एचेंट की तरह यूज होता है। पॉलीसिलिकन में एपिटैक्सी सिलिकन डेपोजिशन में, राइट, और चैम्बर क्लीनिंग में भी हम क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। राइट, सोर्सेज है Cl2 और HCl। आप देख पा रहे हैं गेट की एचिंग के लिए, यहाँ पर पॉलीसिलिकन गेट है, गेट की एचिंग के लिए हमें यहाँ पर आपने देखा ना कि यहाँ पर लेयर नहीं है पॉलीसिलिकन की, और पॉलीसिलिकन की लेयर सिर्फ यहाँ पर है, तो इसकी एचिंग प्रोसेस हुई होगी, उसके लिए हमें पॉलीसिलिकन एच की रिक्वायर्ड होती है। Cl2 इज द मेन एचेंट, HBr इज यूज फॉर साइड वॉल पैसिवेशन। ब्लॉकिंग मैकेनिज्म के लिए HBr को यूज कर देते हैं, जिससे साइड वॉल पैसिवेशन हो जाता है। राइट, HBr इज यूज जिससे कि हमारे पास साइड वॉल्स में एचिंग नहीं होती है, सिर्फ एचिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। O2 गैस को ऐड कर देते हैं, राइट, ओवर एच स्टेप में टू इम्प्रूव सिलेक्टिविटी टू SiO2। सिलेक्टिविटी SiO2 से इंक्रीज करने के लिए हम O2 को यूज करते हैं। राइट, इसका हाई सिलेक्टिविटी ओवर SiO2 रिक्वायर्ड रहती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास गेट ऑक्साइड है, गेट ऑक्साइड के ऊपर यहाँ पर क्लोरीन है। राइट, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉलीसिलिकन है, पॉलीसिलिकन पे जाकर क्लोरीन अटैक करेगा और SiCl4 बना देगा। राइट, सो SiCl4 यहाँ से एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हाई पॉलीसिलिकन टू ऑक्साइड सिलेक्टिविटी रिक्वायर्ड रहती है, जिससे कि जो गेट ऑक्साइड है ये कंज्यूम ना हो जाए। राइट, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉलीसिलिकन एचिंग। राइट, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं SiO2 लेयर है, SiO2 लेयर एचिंग नहीं होनी चाहिए, ये पॉलीसिलिकन लेयर एचिंग होनी चाहिए। राइट, सो इसके लिए हम पॉलीसिलिकन एच यूज कर सकते हैं। नाउ प्रोसेस स्टेप, सबसे पहले ब्रेक थ्रू होता है। ब्रेक थ्रू में वी हैव द रिमूवल ऑफ नेटिव ऑक्साइड। राइट, नेटिव ऑक्साइड का सबसे पहले रिमूवल करवाते हैं, देन जो एनर्जेटिक आर्गन आयंस है उनसे बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं। उसके बाद मेन एचिंग होती है। मेन एचिंग में हम क्या करते हैं, मेन एचिंग किससे हो रही है, क्लोरीन से हो रही है। राइट, सो यहाँ पर हाई पॉली एच रेट रहता है, हाई पॉलीसिलिकन का एच रेट रहता है मेन एचिंग में। राइट, यहाँ पर Cl और HBr केमिस्ट्री यूज करते हैं और एंड पॉइंट हम O लाइन से कैलकुलेट करते हैं। राइट, ओवर एचिंग अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पर रिड्यूस्ड पावर हमें मिलती है। राइट, यहाँ पर ओवर एचिंग से बचने के लिए वी हैव टू यूज O2 फॉर हाई सिलेक्टिविटी ओवर SiO2। राइट, ओवर एचिंग के बाद सिलिकन डाइऑक्साइड एच आउट हो सकता है, तो हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं जिससे SiO2 कंज्यूम ना हो। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एचिंग विच इज मेटल एच। राइट, सो यहाँ पर हमारे पास टाइटेनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम, कॉपर, टाइटेनियम मेटल स्टैक्स होते हैं, इनकी एचिंग करनी बहुत जरूरी होती है जिससे कि मेटलिक इंटरकनेक्शंस बना सके। Cl2 और BCl3 केमिस्ट्री मेटल एचिंग के लिए यूज करते हैं। राइट, सो वी हैव टू नीड टू एच अवे कॉपर इन एल्यूमिनियम, आइदर फिजिकली और केमिकली। कॉपर को एल्यूमिनियम में एच आउट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। राइट, कॉपर के एडवांटेजेस मैं आपको मेटलाइजेशन में बताऊंगी। सो एक पूरा लेक्चर है कॉपर मेटलाइजेशन के ऊपर। तो कॉपर की रिक्वायरमेंट रहती है एचिंग की, और ये तो या तो फिजिकली या केमिकली से एच आउट करना पड़ता है। राइट, सो फोटोरेसिस्ट को स्ट्रिपिंग करना पड़ता है, जिससे पहले वेफर मॉइस्चर के एक्सपोजर में आ जाए। वेफर अगर मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में जाता है, मॉइस्चर से एक्सपोज हो जाता है, तो वेफर खराब होने के चांसेस रहते हैं। सो नाउ कमिंग टू द सीमॉस क्रॉस सेक्शन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय है। एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय का हमने एचिंग करा होगा इस एरिया में, तभी ये स्ट्रक्चर ऐसा बना, यहाँ से एचिंग हुआ होगा। सो दिस इज मेटल एच। राइट, सो मेटल एच क्यों करा, फॉर मेटलिक इंटरकनेक्शन। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे सरफेस पर मेटल हम लेयर बना देंगे। अगर आपने अपने फैन में पावर पहुंचानी है तो एक वायर से ही तो पावर पहुंचाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पूरी रूफ को मेटल का बना देते हैं। सो हमें यहाँ पर मेटलिक इंटरकनेक्शंस करने, सिर्फ कनेक्शंस पे मेटल डालना होता है। राइट, तो उसके लिए हमें अलग जगह से मेटल को हटाने के लिए क्या करना होता है, हमें एचिंग करनी पड़ती है। मेटल स्टैक होते हैं या तो टाइटेनियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम के, टाइटेनियम नाइट्राइड एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय या फिर टाइटेनियम के। सो टाइटेनियम नाइट्राइड एल्यूमिनियम कॉपर और टाइटेनियम, तीन मेटल के स्टैक रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्लोरीन को मेन एचेंट यूज कर सकते हैं, एंड BCl3 और नाइट्रोजन गैस आर यूज फॉर साइड वॉल पैसिवेशन। साइड वॉल पैसिवेशन के लिए BCl3 और N2 O2 किस लिए यूज करते हैं, सिलेक्टिविटी ऑक्साइड से बढ़ाने के लिए। चैलेंजेस क्या है, एच प्रोफाइल को कंट्रोल करना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में एचिंग करनी है उसी डायरेक्शन में एचिंग होती रहे,
और एच रेजिड्यू को अवॉइड करना, राइट। जो मेटल का ग्रेन साइज है इससे भी पूरी एचिंग प्रोसेस अफेक्ट हो सकती है, राइट। तो मेटल की एच केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पर Cl2 प्लाज्मा के कांटेक्ट में आएगा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल एल्युमिनियम के साथ जाकर AlCl3 बना देगा, अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल है टाइटेनियम नाइट्राइड के साथ जाकर रिएक्ट करेगा तो TiCl4 बना देगा, एंड क्लोरीन टाइटेनियम के साथ जाकर TiCl4, और यहाँ पर नाइट्रोजन फ्री रेडिकल भी जनरेट होएगा। सो दीज आर द मेन रेफरेंस बुक्स विच यू कैन रेफर, एंड आई होप यू आर गोइंग टू रेफर देम एंड यू आर गोइंग टू गेन मोर नॉलेज। ये सेशन अगर आपको पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। एंड इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस द नोट्स, नोट्स आर प्रेजेंट इन आर मोबाइल ऐप, लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल एनालिसिस ऑफ द एचिंग एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड इट अप। सो आई होप आपने पुराने सारे लेक्चर्स देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देखिए, और जल्दी से मुझे मिलिए नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।